हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ सेलेक्ट कॉस्ट का हॉल। सो सेलेक्ट कॉस्ट एक वेबसाइट है जो कि न्यूली लॉन्च हुई है, एंड इस वेबसाइट पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, बहुत ही चीप प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो मैंने इससे पहले वाले हॉल में शेयर की है, सारी इन्फॉर्मेशन 5 मिनट की पूरे मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन दिया था, वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल जैसी होगी मैं वैसी ही बताऊंगी, और जो प्राइस होगा वो जो होगा वही बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 5 रुपीज का मैंने वो मेकअप ब्रश लिया, जिसपे बहुत लोगों ने बोला था कि नो ये 5 रुपीज का नहीं है, 70 रुपीज का, ये 100 रुपीज का है। गाइज, उस पर कोई और ब्रश भी हो सकता है जो कि 100 रुपीज का मिल रहा होगा, बट जो मैंने लिया है वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज का ही था। तो प्राइस जो है वो मैं आपको कम बता के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, सो ये मेरे को क्लियर आउट करना था। एंड बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि आपको प्रोडक्ट्स कैसे मिल गए, तो गाइज रिव्यू के लिए मुझे सेलेक्ट कॉस्ट वालों ने प्रोडक्ट्स सेंड किए ताकि मैं आप सबके साथ रिव्यू शेयर करूं और आप लोगों को क्वालिटी पता चले, प्राइस पता लगे, और ताकि फर्दर 26 फरवरी जब पेमेंट स्टार्ट होगी तब आप ले पाओ। सो यही है, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो सबसे फर्स्ट मैं आपके साथ कुछ ज्वेलरी शेयर कर देती हूँ। सो सबसे अच्छा जो मुझे ज्वेलरी लगा इस वाले हॉल में वो है ये नेक पीस, एंड ये मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी सीरियसली, बट ये दूसरी ऐप से मिल रहा था आई थिंक 180-200 समथिंग का, एंड इस पे मुझे ये ओनली 30 रुपीज़ का मिला, जो कि मतलब बहुत ही सुंदर है नेक पीस। और ये स्वेटर्स के ऊपर आप बहुत इजीली पहन सकते हो, लाइक प्लेन स्वेटर पे अगर आप पहनो तो बहुत अच्छा लुक देगा, और ये मैंने अपने किसी प्लेन स्वेटर के लिए ही लिया है, एंड या फिर प्लेन टॉप समर्स में आप पहन लो, बहुत लुक देगा ये। एंड या सो ये एंड इसकी चेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि आप सब बहुत पूछते हो कि क्वालिटी कैसी होगी, तो क्वालिटी जैसी मतलब है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी है। एंड जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे अच्छा भेजेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत कमेंट्स थे जो कि लोग ये भी बोल रहे थे कि क्या पता वो यूट्यूबर्स को अच्छा भेजें। तो मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि जैसे कि इस चीज़ की कोई मशीन है, लाइक ये बनती होगी किसी मशीन में, तो वो ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूबर के लिए ये अलग मशीन रखेंगे और हमारे लिए अलग, आपके लिए अलग मशीन रखेंगे, एक ही मशीन से ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि सबको मिलेगा। तो क्वालिटी जैसी मुझे मिली है वैसी ही आपको भी मिलेगी। उसके बाद है ये इयररिंग्स, एंड ये पॉम्पम वाले हैं, और इसका प्राइस था ओनली 10 रुपीज़, एंड ये कुछ इस टाइप से बंद होने वाला है, तो आप जिसके इयर्स में मतलब होल नहीं है वो भी इसको पहन सकते हैं, एंड या अच्छे लगे, पिंक कलर के, एंड ओनली 10 रुपीज़ के हैं ये। और क्वालिटी इसकी ओके है। उसके बाद एक ये छोटे से वाइट के पर्ल इयररिंग्स, और इसका प्राइस आई थिंक 3-4 रुपीज़ था ओनली। और आपको हर एक जो ये छोटे छोटे स्टड्स होते हैं इनके साथ आपको ये भी मिलते हैं, 4 पीसेस मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हमारे ये ज़्यादातर घुम होते रहते हैं। नेक्स्ट है ये वुडन वाला, एंड ये मुझे बहुत टाइम से लेने का मैं सोच रही थी, एंड वुडन में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। तो ये कुछ इस टाइप के हैं वुडन के, एंड बहुत ही अच्छे लगेंगे, मैं इसे ज़रूर किसी ना किसी वीडियो में वेयर करूँगी। एंड इसमें आपको ये 2 मिल जाएंगे पीछे से लगाने वाले, क्या बोलते हैं इसको, सो ये मिलेंगे। यार इसका प्राइस था 10 या 11 रुपीज़ ओनली, सो 10-11 रुपीज़ में बहुत अच्छी क्वालिटी है इन स्टड्स की। नेक्स्ट है ये इयररिंग्स, और इनका प्राइस था 37 या 40 रुपीज़, और ये गोल्डन और सिल्वर दोनों में अवेलेबल हैं। तो मेरे पास जो है ये गोल्डन में है ऑलरेडी, मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था 150 रुपीज़ का, तो ये मैंने इधर से लिया सिल्वर में, एंड क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी है, सेम टू सेम जैसी 150 की वो गोल्डन है वैसे ही है 40 की, सेम लग रही है, बस कलर चेंज है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड जैसा ये लग रहा है कि बहुत बड़े हैं तो हैवी होंगे, तो बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, एंड लाइट वेटेड है, एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो मैं आपको किसी अपनी एक वीडियो में सारे इयररिंग्स वेयर करके एक साथ दिखाऊंगी सेलेक्ट कॉस्ट के। नेक्स्ट है ये रिंग, एंड ये थी आई थिंक 11 रुपीज़ की, और ये ऐसे रिसाइजेबल वाली है, लाइक इसको कोई भी पहन सकता है, तो ये इस टाइप की है, एंड सो ये कुछ इस टाइप का लुक देगी, और इसको आप रिसाइज कर सकते हो, लाइक आप इसको ओपन कर सकते हो, आपकी फिंगर ज़्यादा मोटी है, या अगर आपकी पतली है तो आप इसको कम भी कर सकते हो। तो ये रिसाइजेबल में है ओनली 10 रुपीज़ या 11 रुपीज़ की। नेक्स्ट ये कुछ हेयर एसेसरीज हैं, उसके बाद ये है रबर बैंड, एंड ये था 3 रुपीज़ का ओनली। तो अगर हो पाया तो मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, क्योंकि मेरे को पता है बहुत लोग बोलने वाले हैं कि ये 3 रुपये का नहीं है, 3 रुपये का नहीं है, 3 रुपये का नहीं है, तो उनके लिए ये 3 रुपये का ही है।
बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका. लाइक आपको किसी को भी बाइंड करना है, लाइक आपको अपने मेकअप ब्रशेस को ही एक साथ बाइंड करके रखना है, या बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन छोटे छोटे रबर बैंड्स की. इसलिए मैंने ये लिए हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल हैं. तो ये ओपन होते तो मैं शो दिखाती हूँ आपको. ओके, ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के हैं एंड अलग अलग कलर्स में हैं, ट्रांसल्यूसेंट हैं एंड क्वालिटी इतना ज़्यादा ये स्ट्रेच हो जा रहे हैं एंड सी टूट भी नहीं रहे हैं. तो क्वालिटी के लेवल से बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, 3 रुपीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा. नेक्स्ट ये हैं 2 हेयर बैंड्स एंड इन दोनों का प्राइस था 3 रुपीज़. तो रैंडम कलर आना था. वैसे तो मैं रेड और ब्लू बिल्कुल भी चूज़ नहीं करती, लाइक मैं सुबर से या तो ब्लैक या वाइट या कोई पिंक लाइट सा कलर चूज़ करती, बट चलो ठीक है, ब्लू भी ठीक लग रहा है, रेड भी ठीक लग रहा है. तो 3 रुपीज़ के हैं, दोनों अलग अलग डिज़ाइन हैं. ये बहुत अच्छा डिज़ाइन देता है आपके हेयर को. तो ये अगर ब्लैक में आता तो मैं ज़्यादा खुश होती, बाकी ठीक है. मेकअप वीडियोज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हेयर बैंड्स की एंड वैसे जब मैं फेस पैक वगैरह लगाती हूँ तो भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, तो इसलिए आई थॉट कि ठीक है 2 ले लेते हैं. ये कॉम तो जैसे कि तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो होगा कि फ्रंट के बैंग्स कैसे कट करें अगर आपका फोरहेड बड़ा है, लाइक मेरे फोरहेड, लाइक मेरा जो फोरहेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए जो है बैंग्स कट करने होते हैं, तो उसके लिए आपको इस टाइप की जो कॉम्ब होती है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो मैं 3 to 4 months में अपने बैंग्स खुद से कट करती हूँ, तो उसके लिए मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसका प्राइस था आई थिंक 2 to 3 rupees. अच्छा लगा, इसमें भी रैंडम कलर आना था, क्वालिटी भी अच्छी है, बेंड हो रहा है बट ऐसा टूटने वाली क्वालिटी लग नहीं रही है इसकी. मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप मैं आपके साथ बैंग मतलब अपने फ्रंट के हेयर कट करने की वीडियो शेयर करूँ या ना. उसके बाद ये एंड इसका प्राइस था 3 rupees. लाइक आज आप देख सकते हो सारी चीज़ें कितनी 10 रुपये 5 रुपये 3 रुपये की है. तो ये है 3 rupees की एंड कुछ इस टाइप का इसका नेम आया, मुझे याद नहीं आ रहा, बट इसका नेम कुछ ऐसे माउथ करके था एंड ये अच्छा रहेगा. लाइक आप फ्रंट से आपको अपने हेयर पिन करने हैं तो बैक के साइड आप कर सकते हो और अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, ट्रांसल्यूसेंट है ये थोड़ा सा एंड रैंडम कलर आना था बट मैंने 2 लिए थे, मुझे एक ही रिसीव हुआ है. लेट्स सी आगे के पैकेज में मुझे रिसीव होता है या नहीं. तो ये है एंड फॉर 3 rupees ओनली. उसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट्स, ये मैंने डायरी ली है अपने लिए क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं वीडियो बनाते टाइम और कि किसमें क्या है. लाइक मैंने अभी कैश करो का इसमें लिखा था COD अवेलेबल है, ये है वो है, तो ये छोटी सी नोटबुक सही रहती है, बड़ी नोटबुक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसलिए मैंने लिया है अपनी वीडियो के लिए. लाइक सब कुछ नोट करना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले कि क्या आपको कौन से पॉइंट्स बोलने नहीं बोलने. तो इसका प्राइस था आई थिंक 5 rupees या 10 rupees. इतने पेजेस आपको मिल जाएंगे और आप अगर आप भी नोट्स लिखते हो और आपको ऐसे डायरी चाहिए तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हो, इस नोटपैड को. नेक्स्ट है ये पीलर और ये मैंने लिया है 5 rupees का ओनली. तो क्वालिटी आप देख ही सकते हो, लाइक आपको दिख रहा होगा कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल भी मतलब दबने वाला स्टील नहीं है एंड यहाँ से आप इसे पील कर सकते हो. लाइक एप्पल पील करने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये एंड कुकम्बर वगैरह पील करने के लिए बहुत सही होता है ये. तो ये 5 rupees का था बस. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये. उसके बाद ये है एक बॉक्स फॉर लाइक छोटे बच्चों के लिए. तो ये मैंने अपनी कज़न सिस्टर के लिए लिया है और इसका प्राइस था 60 rupees. तो फॉर 60 rupees क्वालिटी इज़ लाइक 200 रुपये वाली क्वालिटी है इसकी और अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपको 200 रुपीज़ का ही मिलेगा, ये उससे कम का बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला. यहाँ पे शॉर्पनर दिया हुआ है तो आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए बिल्कुल ये प्रोडक्ट लो. लाइक बॉयज़ को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. ये ऐसे ट्रेन टाइप में है एंड ये चलती भी है. आप देख सकते हो ये चल भी रही है एंड कंपार्टमेंट्स भी 2-2 हैं इसमें रखने के लिए. तो कुछ इस टाइप का है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 60 rupees में आप बिल्कुल ले सकते हो. रैंडमली आना था तो मिकी माउस का
ओके सो लास्ट प्रोडक्ट है ये, और ये है लिपस्टिक स्टैंड। जैसे कि मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, तो मैंने दो स्टैंड पहले से लिए हुए हैं, 200 रुपीज़ के लिए थे मैंने क्लब फैक्ट्री से, बट ये मैंने लिया है ओनली 47 या 49 रुपीज़ का, और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आई है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड या इसमें भी अपार्टमेंट जितने उस वाले में है, और सिमिलर सेम पैकेजिंग आई है जैसे क्लब फैक्ट्री के इस बॉक्स में आती थी, और 49 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये। सो आई होप आपको मेरा ये हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।